घंटी हो चुका है, ये दूसरी घंटी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और नए वीडियो में आप लोग को ले चलते हैं। चलिए, आज है संडे और इस संडे के दिन में हम लोग स्तुति आराधना करेंगे प्रभु की, और आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में और देखिए आप लोग कैसे करते हैं। और आज बहुत खूबसूरत होगा आपको लगता है, क्योंकि जुबली के ये दूसरा संडे है ना, और हम लोग देखते हैं कैसे आराधना करते हैं आज के दिन में, और चलिए आप लोग बने रहिए। चलिए, हम चर्च पहुँच चुके हैं और बाल घंटी हो चुका है, ये दूसरी घंटी। बाल घंटी हम पहुँच पहले हो चुका था, और चलेंगे आगे की ओर। बहुत ही घुस रहा है चर्च, ये रहे अंदर घुस रहे, तो हम भी चलिए हम सेटअप करते हैं। या ये थैली में कैमरा है ना, कैमरा से हम शूट करते हैं और देखिए और आगे जा रहे हैं। यहाँ से हम चलेंगे, सातवां अध्याय एक से चार पद तक और आगे
और इसलिए आज हम इस संसार में कई पंथ के लोग हैं और सब लोग अपने अपने अनुसार परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं, महिमा मंगल करते हैं और बहुत तरह के लोग भी हम लोगों को भी देखते हैं कि लोग अपनी समझदारी के अनुसार से अपने इच्छा अनुसार से परमेश्वर की सेवा और मंगल करते हैं और साथ ही परमेश्वर की पूजा भी करते हैं। और आज ये भी देखते हैं कि इसके पास पैसा है, धन है और इनका विश्वास है, ऐसे लोग परमेश्वर को खोजने के लिए कहीं चले जाते हैं। फिर यहाँ पर मेहमान आते थे, पंडित आते थे, पदुकर आते थे, लेकिन वहां पर जो धन के ठेकेदार हैं, जो पुरोहित या महापुरोहित या वहां के जो लोग हैं, ऐसे लोग जबरदस्ती तो लोग फंस से लाए हुए तो बलिदान के लिए लाए हुए मेहमान को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उसको हटा देते थे। और ऐसे में हम देखते हैं कि वहां पर जबरन लोगों को वहां पर एक्सचेंज करना पड़ता था, तो घर से लाया हुआ जो मेहनत है उसको कम दाम में बेचना पड़ता था और वहां पर अधिक दाम में खरीद करके उस मेहनत को मंदिर में बलिदान चढ़ाने का रिवाज वहां वैसा था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर वहां पर लोग दूसरे तरह से गलत तरीके से पैसा कमाते थे तो ये सब होता था, करप्शन हुआ था। और ये सब होने के कारण से हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ था कि जो घर से लाए हुए शुद्ध मेमना भी है तो लोग वहां पर उसको अस्वीकार कर देते थे और जबरदस्ती मायाजनों के एजेंटों से अधिक दाम में पूजा सामग्री खरीदना पड़ता था और वहां परिणाम को चढ़ाते थे। इसी रीति से देखते हैं वहां पर धन की रीति से भी लोगों का शोषण हो रहा था। तो यही सब होता था और ऐसी बातों के लिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट अच्छा नहीं लगा और अच्छा नहीं लगने के कारण से वहां पर जो गलत काम हो रहा था उसका पर्दाफाश किया। आप देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट वहां गया और जाने के बाद वहां पर जितना भी गलत काम हो रहा था सब उठाए, वहां से सबको बदल दिया। लिखा है एक स्वच्छ व्यक्ति बन सकते हैं, एक स्वच्छ मंदिर बन सकते हैं और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो पाए। आज के दर्शन के बाद परमेश्वर आप सबको आ
हमारे प्रभु सुदेश ने कहा प्रभु हमारा परमेश्वर एक बार प्रभु है तो प्रभु ने परमेश्वर को अपने सपोर्ट मन सपोर्ट प्राण सपोर्ट बुद्धि और सपोर्ट शक्ति से लेकर जा पालिया क्या है दूसरिया है अपने पड़ोसी को अपने समाज लेकर इससे बढ़िया को याद रखती है परमेश्वर ने संसार का प्रेम रखा अब यह धन्यवाद भी चढ़ा दया से
कहकर इसे दिल से भी नाम में आए माधु का नाम को इससे आगे कर अब मुझे धन्यवाद आते हैं तू तो हमारे लिए बलदान तुम्हारा बल है हमारे अंतर तुम्हारी जो भी खाए तो हमें दिलासा शांति प्रदान अनुभव है तुम्हारे परमेश्वर का पुत्र परमात्मा ज्ञान जो गीता प्रकाश करता है तेरी महिमा सदा का युग युग होती है हमारे प्रभु यीशु मसीह के बार आमीन सत्य प्रभु आप सबके साथ हो अब इस टाइम को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए लागू करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर जगत के सृष्टि करता सब उत्पन्न की प्राप्त होती है और तेरे संपत्ति में से हम क्यों को क्या चाहते हैं अब यहाँ उपस्थित है अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाओ हम अपने कब परमेश्वर को धन्यवाद दें रोटी ऐसा ही आप मुझे धन्यवाद को दिया और आप सब से क्योंकि नहीं बात जगह मेरा रक्त है जो तुम्हारे लोगों की बात समाज देने में पाया जाता है तुम जब कभी शक्ति हो तो मेरी स्थिति में ऐसा ही क्या करो इसलिए स्वर्गीय पिता उसकी स्मृति में हम सब क्या बात सब पिता करते हैं हम उसके दुष्वर्य की बात समर्पित सी प्रदान को उसके लिए तुम प्रसिद्ध भगवान को आओ स्वर्ग में उस गाना मान से माता खुशी करते हैं आप हम उसकी महिमा से आने की प्रतीक्षा करते हैं क्रिस्त हमारे बाद क्रिस्त जी उठा कर क्रिस्त जी आए इसके हृदय मतलब से हमारे महापुरुष के द्वारा धन्यवाद और स्तुति हमारे सभी को स्वीकार कर और जब ये ईश्वर की महिमा के समक्ष मधुर उपाय को ताजा होते हैं
जाता है और 8 बजे तक में खत्म। तो हम लोग चलिए चलते हैं घर की ओर।